टीवी सीरियल अनुपमा के फैंस के लिए एक बड़ी खबर सामने आई थी। बीती रात सीरियल अनुपमा में वनराज शाह का किरदार निभाने वाले एक्टर सुधांशु पांडे ने शो छोड़ने का ऐलान कर दिया था। बीती रात एक वीडियो शेयर करके सुधांशु पांडे ने इस बात का खुलासा किया था। सुधांशु पांडे ने बताया कि वो अब सीरियल अनुपमा में नजर नहीं आएंगे। इस दौरान सुधांशु पांडे ने अपने फैंस से माफी भी मांगी थी। सुधांशु पांडे वीडियो में कहते नजर आए कि वो अपने फैंस का इस तरह दिल दुखाना नहीं चाहते थे। सुधांशु पांडे बीते 4 साल से सीरियल अनुपमा का हिस्सा थे, ऐसे में सुधांशु पांडे का अचानक जाना फैंस को रास नहीं आ रहा है। हालांकि लोग ये बात कम जानते हैं कि सुधांशु पांडे ने पहले ही सीरियल अनुपमा को छोड़ने का हिंट दे दिया था। कुछ समय पहले ही सुधांशु पांडे ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था। एंटरटेनमेंट न्यूज की गलियारे की माने तो जन्मदिन के मौके पर सुधांशु पांडे ने अपने पुराने बैंड को फिर से जिंदा कर दिया था। सुधांशु पांडे ने अपनी आगाज में गाना गाकर सबको बता दिया था कि वो सिंगिंग की दुनिया में फिर से तहलका मचाने के लिए तैयार हैं। जिस तरह से सुधांशु पांडे ने अपने बैंड का कमबैक करवाया है, उससे ही पता चलता है कि उनके दिमाग में प्लानिंग काफी पहले से चल रही थी। सुधांशु पांडे ने एक दिन में अनुपमा को छोड़ने का फैसला नहीं किया है। अब ये तो हर कोई जानता है कि सीरियल अनुपमा इंडिया का सबसे बड़ा हिट शो है, जिसे छोड़ने का मतलब अपने हाथ से लाइमलाइट खो देना है। वैसे भी अनुपमा की वजह से बीते 4 साल से सुधांशु पांडे ने कई बार लाइमलाइट बटोरी है। एक समय ऐसा भी था जब रूपाली गांगुली और सुधांशु पांडे के दुश्मनी के किस्से आम थे। हालांकि सुधांशु ने ये नहीं बताया है कि वह रातों रात इतना बड़ा शो क्यों छोड़ रहे हैं। प्रोडक्शन हाउस से जुड़े एक सूत्र ने टाइम्स नाउ को दिए एक बयान में कहा कि हो सकता है कि सुधांशु ने यह फैसला रूपाली गांगुली की वजह से लिया हो। सूत्र ने कहा, अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि सुधांशु पांडे ने खुद शो छोड़ा है या उन्हें बाहर किया गया है। दरअसल पिछले 4 दिनों से रूपाली गांगुली, गौरव खन्ना और औरा भटनागर के शो छोड़ने की खबरें खूब आ रही थी। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। हालांकि सुधांशु के मामले में जरूर कुछ तो हुआ है। सेट पर अक्सर रूपाली गांगुली के साथ उनकी बहस होती थी। क्या यही वजह है कि उन्होंने शो छोड़ दिया? पता नहीं, हो भी सकता है। वैसे आपको क्या लगता है कॉमेंट कर हमें जरूर बताएं। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए देखते रहिए ABV एंटरटेनमेंट।